Look at guys, there are so many bats in this temple. भरे हुए हैं पूरे पूरे भरे हुए हैं यहाँ पे. My God. See, 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 they are all hanging from the ceiling. See? You see this? Oh my God. ये आप देख सकते हो कैमरे में कि ये सब आपको बस पत्थर ही दिखेंगे. घर सब टूटा हुआ है, बहुत सारे घर है यहाँ पे. मुझे लगता है कम से कम 200-300 घर होंगे जो सारे टूटे हुए हैं. अभी कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे. खिड़कियाँ हैं, दरवाजे होंगे किस कुछ साल पहले, बट अभी नहीं है. तो डेफिनेटली एक खंडर है अभी ये, और काफ़ी बड़ा है. मंदिर भी है छोटा सा एक, शायद अभी चल रहा है कि नहीं पता चलेगा आगे जाके पहुंचने के बाद, देखते हैं. बट एक मज़ेदार प्लेस डेफिनेटली है हमारे जैसे विजिटर के लिए. एक तो जगह इतना अच्छा है कि आप मतलब मन करेंगे भाई देखते रहो देखते रहो. अजीब सा है, मतलब लोग कैसे रहते थे यहाँ पे, पानी का क्या प्रबंध था, क्या था पता नहीं क्या है. सालम सिंह मंत्री ने सर बहुत दबाव डाल दिया था हम लोगों के लिए, जिसके ऊपर नजर रखना ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स का दबाव बहुत दबाव डाल दिया था. तब सालम सिंह मंत्री एक दिन यहाँ पुलदरा गांव में घूमने के लिए आया, तो इसी गांव के मेन लीडर का वो मकान बना हुआ है. उसी घर की लड़की बहुत खूबसूरत, ये वाली वो वाला दिख रहा है ना, बड़ा वाला. हाँ, तो उसी घर की लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसके ऊपर सालम सिंह मंत्री की नजर पड़ गई. वहाँ मैंने बताया ना वो गाड़ी खड़ी है जो बावड़ी है, वहाँ पुलदरा की लेडीज पानी भरने के लिए जाती थी. तो लड़की पानी भरने के लिए गई हुई थी, तो सालम सिंह मंत्री से घोड़े को पानी पिलाने का मिस करके वहाँ गया. तो लड़की को बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. तब लड़की ने बोला सर जी ऐसा कोई मेरा बस नहीं है, आप मेरे पापा को पूछो, आपको जैसे देगा शादी का. तब सालम सिंह मंत्री तो बहुत पावरफुल था, इस गांव के मेन लीडर को बोला आपकी बेटी से मेरे को शादी कराओ. उस गाँव के मुखी ने बोला ऐसे कैसे देंगे, हम ब्राह्मण आप होता बनिया आप. सालम सिंह ने बोला देंगे नहीं देंगे किसी भी हाल.
हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारे को 5-10 दिन का समय चाहिए सोचने का। हमारे जैसलमेर में 83 विलेजेस और इन भाइयों को पूछते हैं फिर डिसाइड देते हैं। तो इनके पास 200 साल पहले कुछ मोबाइल वगैरह तो कुछ था ही नहीं, ऊंट और घोड़े थे लोगों के पास। तब इस गांव के मुखी ने ऊंट घोड़े भेजे 83 विलेजेस के मेन मेन लीडर कुलदरा गाँव में बुलाए और 84 विलेज के मेन लीडरों ने मीटिंग रखी गई कुलदरा गाँव में। तब इस गाँव के मुखी ने बताया सालम सिंह ऐसी बातें कर रहा है, एक बेटी हमारे उठाएगा कल तुम्हारे जमीन जगह मकान छोड़ कर जा रहे हैं। जो भी कुलदरा गांव में रहेगा कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगा, उस गांव को ब्राह्मण लोग कर्ज देकर चले गए थे। तो पहले हम जैसे गांव वालों को पता नहीं था इस श्राप पीते हैं वो है, तो हम जैसे कोई रेगिस्तान में रहे तो दूसरे लोग आकर कुलदरा गांव में कर्ज देते हैं। तब किसी लोगों की सिर्फ फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाए, किसी के दो बच्चे मर गए, कोई लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, तो गाँव वाले लोगों ने बहम कर लिया, श्रापित गाँव में कुलदरा के अंदर नहीं रह सकते हैं। लोग रहना चालू किया था लेकिन उसकी फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाए। कहाँ रह रहे थे वो लोग? वो इसमें इस घरों में रहे थे, ये जो अभी टूट गया है, पहले 500 साल पहले ये घर बने हुए थे जो। तो ये सत्य अभी दोस्ते तो लोगों की फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाई और इसका पत्थर भी यूज नहीं कर सकते, गाँव वाले आसपास वाले पत्थर भी उठा कर ले गए थे। तब लोगों की फैमिली भी नष्ट हो गया था, लोगों का कोई पागल हो गया, तब लोगों ने पत्थर भी वापस ला के डाला था ना श्रापित गाँव कुलदरा। तो इसीलिए 200 साल में कुलदरा गाँव में कोई नहीं रहते, शाही वीरान पड़ा है। और जिंदल वालों ने कैफे एरिया बनाया था, ये भी नहीं चल पाया इसके अंदर सर। अच्छा, कोई कंपनी आके बनाई थी यहाँ पे? JSW ने। अच्छा, उसके प्रॉब्लम्स हुआ था उसी ने भी छोड़ दिया, ये भी नहीं सिक्सेस हो पाया कुलदरा वाले जिसने सर। अच्छा अच्छा, ये जो बना हुआ है लोहे का, कुछ 4-5 करोड़ बता रहे एंड किया कुलदरा गाँव में यहाँ पे। और जो आगे दिख रहा है वो क्या है? ये वाला जो दिख रहा है ब्रिज कर रहे हैं, म्यूजियम बनाया था जो दिख रहा है ना आगे, हाँ म्यूजियम था इनका। अच्छा, वो भी नहीं चल पाया? वो भी नहीं चल पाया। अच्छा, इसलिए कुलदरा गांव में कुछ भी शिक्षित नहीं हो रहा है सर 200 साल से। और इस घरों के ऊपर लकड़ी और मिट्टी की छत थी, लकड़ी और मिट्टी को वापस मैट्रिक्स ने किया था, धीरे धीरे 200 साल में पूरा खत्म हो गया है। उसी घर को बचा कर रखा है आर्कियोलॉजी वालों ने। ये सब भी उसी टाइम का है? ये बाबा टेम्पल उसी टाइम का, अपने टेम्पल के ऊपर टॉप पे खड़े हैं जो होता है ना मुकुट जो वाला, वो है नीचे टेम्पल, ये टेम्पल और जुलन है। इनकी मूर्ति भी ब्राह्मण लोग साथ में लेकर चले गए थे, पूजा नहीं होती है सर 200 साल से, मंदिर भी वीरान है। पर मंदिर का एंट्रेंस किधर से है? अंदर से, आगे से उतर, नीचे से। नीचे से है ना, ये वाला जो घर है उन्हीं का है ना? हाँ, तो लड़की उसी मकान की थी। और गुप्त पिक्चर भी यहीं बनी हुई है। गुप्त हाँ। तो ये है टेम्पल का मेन एंट्रेंस, अभी कुछ फोटो लगाया वहाँ पे शिव जी का। नॉर्मली यहाँ पे और कुछ पूजा तो नहीं होती है इसके बाद, अभी शायद रिसेंटली गवर्नमेंट ने और यहाँ पे जो रहते हैं लोग उन्होंने कुछ तो पूजा कर रहे हैं फोटो लगा के। बट इट इज वेल प्रिजर्वड आई हैव टू से, सो दे कम बैक एंड कीप द साइट इज वेल प्रिजर्वड। सो बेसिकली इट्स कॉस्ट इन अ वे दैट नीदर इट कैन लिव हियर नीदर कैन यूज एनी अदर थिंग्स फ्रॉम हियर टू अनदर प्लेस। तो इनका जो मेन जो इनका काम क्या करते थे लोग यहाँ के लोग? पशुपालन भी करते थे, पशुपालन खेती बाड़ी भी करते थे, बहुत मेहनती थे और इनका बिजनेस भी था, ये गोल्ड के से व्यापार भी करते थे। तब ये पाकिस्तान नहीं था, अपना इंडिया ही था, इंडिया तब अदर कंट्री में ये पाली क्षेत्र से आया था, इसलिए पालीवाल ब्राह्मण लोग बोला जाता है। अच्छा, पाली क्षेत्र से। जैसलमेर ये क्या था? ये वाला सर बैलगाड़ी थी इनकी जो मेन लीडर की, ऐसे पहले गैराज और पार्किंग में रहती थी इनकी बैलगाड़ी भी। तो ये वही 200 साल पुरानी है? पुरानी है, 200 साल पुरानी है बैलगाड़ी। माय गॉड, अभी पड़ा हुआ है, लोहे लोहा है थोड़ा लेकिन पहिए लकड़ी के होते थे, पिक्चर में कुछ नहीं होते थे उस जमाने में। और ये जो डिजाइन दिख रहा है ये वो ये है ना ब्लैक बक है वो जो ये डियर है। तो हाँ। पहले अपने शादी वादी में जो कुछ दीपावली वगैरह में ब्राह्मण लोग डिजाइन बनाते थे ना, तो गाय का गोबर और मिट्टी में ऐसे गांव में पहले डिजाइन बने। तो ये क्या, पत्थर के ऊपर मिट्टी का लेप है? हाँ, लेप है। तो ये वाला ठंडा रहता था मकान पहले, मिट्टी और ये होता था ना। करेक्ट करेक्ट। Thank you.
तो ये वाला मेन लीडर का मकान था, जो कुलदरा गांव की लड़की थी ना उसी का मकान था। तो ये वाला सर अपना जो गेस्ट रूम बोला जाता है, पहले हमारे यहाँ पर्दे पे होती थी लेडीज ज्यादा, तो ये गेस्ट को बैठने के लिए यहाँ बैठक होती थी इनकी। और यहाँ धूप में बैठने के लिए इनका भी ड्रिंग रूम बना हुआ था, दूसरा भी गेस्ट रूम था इसके। और ये ऊपर सब लकड़ी लगा हुआ है, मिट्टी से छतें होती थी, ठंडी रहती थी, ठंडी रखे। करेक्ट 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 करेक्ट। तो पहले लकड़ी और मिट्टी यूज करते थे गाँव में। और ये कलर क्या, तब का कलर है ये? ये कलर वापस किया है, वापस किया है। लेकिन सेम कलर था, मिट्टी के ऐसे होता था सेम कलर। तो ये वाला उन्हीं के हाथ से बना, और स्टेप्स पहले ऐसी होती थी। तो ये स्टेप्स कैसे बनाते थे ये लोग? ये वाले जो पत्थर में पत्थर जोड़ के, हाँ हाँ, तो ऐसे स्टेप्स पे लगा होती थी। तो इस ये पकड़ के कैसे रखता था इसको? जिसके ऊपर पत्थर का ये है ना जॉइंट में जॉइंट डाला हुआ ये पूरा। अच्छा, उस हिसाब से बनाते थे पहले। ओके, तो मतलब ये पत्थर को जॉइंट किया है कहीं पे। अच्छा है, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है? बना हुआ जमीन के अंदर तहखाना, कुछ भी। तो खैर पुलाना ये वाला है। अरे वाह, अच्छा ये उनका तहखाना था। माय गॉड, या सी। अच्छा, उसके नीचे सीढ़ी भी गया है उसका, राइट? पत्थर का भी। नो प्रॉब्लम, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप हमारे बीच में खड़े हो जाओ। तो आप दोस्तों देख सकते हो ये उनका तहखाना वो है। खजाना लूटना, चल जाके देख के। तो यहीं पे अपना कुलदरा गांव का विजिट खत्म हुआ। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस कि हमने एक घोस्ट विलेज देखा।